नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा की वजह उनकी बहन किम यो जोंग है, जिन्होंने अब अमेरिका को धमकी दी है। किम यो जोंग ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि अमेरिका ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि उसे अगले 4 सालों तक नींद से हाथ धोना पड़े। मंगलवार को यहाँ के सरकारी अखबार ने इसकी जानकारी दी। दरअसल मंगलवार से नए राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन के उच्च अधिकारी जापान और साउथ कोरिया की यात्रा पर पहुंच रहे हैं। पेंटागन के मुखिया और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन सोमवार को जापान पहुंचे। यहां उनका फोकस चीन के खिलाफ अपनी सैन्य एकता को बढ़ाना और न्यूक्लियर पावर नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अपना मोर्चा मजबूत करना है। किम जोंग उनके प्रमुख सलाहकारों में से एक हैं। ये जो बाइडेन के व्हाइट हाउस संभालने के 4 महीने के बाद आई उनकी पहली प्रतिक्रिया है। हालांकि उन्होंने जो बाइडेन को सीधा सीधा कहीं संबोधित नहीं किया। अमेरिका और साउथ कोरिया ने पिछले हफ्ते संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, जिसके बाद नॉर्थ कोरिया के आधिकारिक न्यूज़पेपर रोडोंग सिनमुन पेपर में किम यो जोंग का बयान छपा था। उन्होंने अमेरिका को धमकी स्वरूप सलाह देते हुए कहा था कि हमारे देश में बारूद की बू फैलाने का संघर्ष कर रहे यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रशासन को सलाह है कि अगर आप अगले 4 सालों तक अच्छी नींद सोना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि शुरू से ही ऐसे काम ना करें जिससे आपको आपकी चैन की नींद खोनी पड़े। बता दें कि इसके पहले ट्रंप प्रशासन में दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरने की गुंजाइश दिखी थी। एक दूसरे पर हमला करने वाले दोनों नेताओं ने बहुत ही नाटकीय तरीके से एक दूसरे की ओर हाथ बढ़ाए थे और कई मुलाकात की थी। हालांकि इन मुलाकातों का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अमेरिका नॉर्थ कोरिया का गैर परमाणविकीकरण यानी डीन्यूक्लियराइजेशन करना चाहता है। नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम के चलते कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।